दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रू गाइडलाइन में। यहाँ पे आपको जो भी गाइडलाइन दिया जाता है बिल्कुल ट्रू होता है, इसीलिए मैंने इस चैनल को नाम रखा है ट्रू गाइडलाइन। तो आज हम लोग कुछ बनाने के लिए सीखेंगे, ये एक टेक वीडियो है और हम इस वीडियो में सीखेंगे इंट्रो बनाने के लिए, अपने चैनल में इंट्रो बनाने के लिए सीखेंगे। जब से मैंने ये चैनल बनाया है उसमें इंट्रो मैंने नहीं बनाया है, तो अपने लिए मैं अपने चैनल के लिए भी एक इंट्रो बना लूँगा और वही इंट्रो जो है आप भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैं उस तरह का बता दूंगा कि आपको जो इच्छा हो उस तरह क्रिएट करें। और इंट्रो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे चैनल के लिए यूट्यूब चैनल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमारे चैनल का जो है स्मार्टनेस, उसको उसका लुकिंग जो है, उसका स्मार्टनेस जो है, उसकी सुंदरता उसको बढ़ा देता है और लोग उसको देखना पसंद करते हैं। आपके चैनल पे एक अच्छा इंट्रो हो तो फिर आपके चैनल को ग्रो होने में आपको मदद मिलता है। इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन, हमारा इंट्रो एक डिफरेंट इंट्रो होता है और वो जो है हमारी पहचान को बनाता है, हमारे रिकॉग्नाइजेशन को स्प्रेड करता है, फैलाता है और लोग धीरे धीरे जो हमारे चैनल में आते हैं, जो देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इनका इंट्रो इस तरह से है और उस इंट्रो से हमारी पहचान बन जाती है। इसके अलावा एट्रैक्शन, हमारा इंट्रो अगर एट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छा हो, उस पर बहुत अच्छा काम किया गया हो, तो वो काफ़ी एट्रैक्टिव होता है और कई बार जो है लोग उससे इम्प्रेस होते हैं, उस तरह का इंट्रो बनाने का सोचते हैं और वो कमेंट भी करते हैं कि इस इंट्रो को आपने कैसे बनाया। इसीलिए हम लोग एक इंट्रो बनाना सीखेंगे। और जहाँ तक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो फिर आप उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एट्रैक्टिव आप बाद में बना सकते हैं, आपको पहले सिंपल बनाना है, सिंपल इंट्रो पहले बनाना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपका काम शुरू हो जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम सिंपल इंट्रो बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और इंट्रो बनाते हैं। दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से एक सिंपल इंट्रो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम YouTube पे इंट्रो के लिए एक नो कॉपीराइट इंट्रो खोजेंगे। तो सबसे पहले YouTube खोल लेते हैं, यहाँ पे है YouTube, तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे डाटा ऑन कर लेते हैं, डाटा ऑन करना होगा तभी ये चलेगा। तो डाटा ऑन कर लिया है मैंने, अब यहाँ पे खुल गया YouTube। अब यहाँ पे सर्च बार में जाइए, यहाँ पे नो कॉपीराइट इंट्रो लिखना है, यहाँ पे नो कॉपीराइट इंट्रो मैंने लिखा है तो इसीलिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसको टैप करते हैं। तो नो कॉपीराइट इंट्रो यहाँ पे आ गया है, कई सारे वीडियो इससे संबंधित वीडियो आ जाएगा। तो हम किसी को ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, ये सेकंड वाला जो है 20 इंट्रो इसमें है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड कैसे किया जाता है संभवतः आप लोग जानते होंगे, तो इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर आप इंट्रो को, कई सारे इंट्रो को देख सकते हैं, इसको पॉज कर लेते हैं। तो इसमें कई सारे इंट्रो हैं, 20 इंट्रो है, तो इसको हम डाउनलोड करने के लिए कई सारे ऐप्स हैं, उससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बतलाना YouTube पे कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बतला सकता। और आप लोग कई सारा ऐप्स ऐसा आप लोग को मिल जाएगा, जैसे विडमेट है, तो उससे जाकर आप किसी भी YouTube वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम डाउनलोड कर लेते हैं, इंट्रो पर हम अपना चैनल या लोगों को सेट करेंगे। तो चलिए इसको मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पे अब इसको यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, फिर उस वीडियो को एडिट करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो वीडियो कहाँ है जो डाउनलोड हुआ है। तो फाइल मैनेजर पे जाना होगा, फाइल मैनेजर यहाँ है, तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और वीडियो, यहाँ पर वीडियो का जो ऑप्शन है यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और ये है एक्सपोर्ट 5, यहाँ पर जो है ये वीडियो। तो ये वीडियो जो आपको दिखाई दे रहा है ये 10.77 MB का, तो ये वीडियो है जिसको मैंने इंट्रो वीडियो डाउनलोड किया है। और इसमें हम चेक कर लेंगे कि इसमें 20 इंट्रो है, तो इसको चेक कर लेंगे, जो हमें पसंद आएगा उसको हम एडिट करेंगे। तो इसको हम एडिट करने के लिए काइन मास्टर पर चलते हैं। यहाँ पर मैं काइन मास्टर को ओपन कर चुका हूँ और ये काइन मास्टर एप्लीकेशन है जिसमें वाटर मार्क्स नहीं आ रहा है मेरे पास। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, वाटर मार्क्स आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आप लोगों को काइन मास्टर अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इसमें न्यू में जाना है यहाँ पे
और इसको 16:9 जो है ये यूट्यूब का रेशियो है, तो इसको ओपन करते हैं हम लोग। और यहाँ से हमें ये वीडियो दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट्स में, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये वीडियो को क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पे ये वीडियो जो इंट्रो वाला वीडियो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं पहले बता दूँ कि इस वीडियो को मैं वॉच कर चुका हूँ और इसमें मुझे पसंद क्या आया है। इसमें जितने भी इंट्रो दिए हुए हैं उसका नंबर सब आपको यहाँ पे कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि 16 नंबर का ये इंट्रो है। तो मुझे 9 नंबर का जो इंट्रो था वो पसंद आया था, इसीलिए मैं 9 नंबर का इंट्रो जो है उसको मैं कट करूँगा। तो 9 नंबर कहाँ पे है, 12 हो गया, 11 हो गया, 10, 9। तो यहाँ पे इसको कट करने के लिए मैं यहाँ से कट करूँगा। ये 9 शो कर रहा है कॉर्नर पे, इस 9 को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके इसको कट कर देते हैं। ये कट हो गया। उसके बाद यहाँ कितना चलेगा ये देखिए, यहाँ पे इतना से इतना, क्योंकि इंट्रो जो है ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहिए, कोई 4-5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रखना, तो यहाँ तक हम रखते हैं यहाँ तक, और इसको काट देते हैं, इसको ट्रिम कर दिए। ठीक है, कितना देर का है, 5 सेकेंड का है ये, इसको आप चला के देख सकते हैं। काफ़ी छोटा इंट्रो है, इसीलिए क्योंकि इंट्रो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। यहाँ से अब जो है लोगो का जो ये आ रहा गोल गोल योर लोगो लिखा हुआ, तो वो दिखना नहीं चाहिए, आप इस तरह से सेट कीजिए। तो यहाँ से अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो आप अपने लोगो का जो पिक्चर रखे हुए हैं, जो लोगो बनाए हैं अपने चैनल का, उसको यहाँ से सेट कीजिए। अब इसको लेयर पर हम जाएंगे, यहाँ लेयर पर जाएंगे और इसको ओपन करेंगे मीडिया को, और आप जहाँ पर रखे हैं, तो मैंने फेवरेट पे, ये फेवरेट जो आप देख रहे हैं फेवरेट पे, जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करता हूँ बार बार उसको फेवरेट पे रखा जाता है। तो चलिए फेवरेट को ओपन करते हैं। फेवरेट को मैंने ओपन किया और ये लोगो जो है इसको मैं सेट कर रहा हूँ ट्रू गाइडलाइन पे, तो इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ से इसको सेट करना है, तो ये जो है हम इतना बड़ा रखेंगे, या जितना आपको रखना है उतना बड़ा रख लीजिए। ये हो गया, तो ये है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ये 9 नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या सेटिंग है, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जूम पे जाते हैं, ये जूम ऑप्शन है, ये जूम ऑप्शन को हम ये करते हैं और इस पिक्चर को जो है थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। 9 जो है ये चला जाएगा, ये इस पिक्चर को हम बड़ा कर दिए, ये 9 गायब हो गया। बस हम इतना ही रखेंगे और यहाँ पर जो है यहाँ पर टैप करना है, ये ऊपर वाला पिक्चर ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप टैप कर दीजिए, ये इस तरह से हो जाना चाहिए। अब जो है इसको आप बैक आ जाइए, यहाँ से बैक हो गए। अब इसको चला के देख सकते हैं, सेलेक्ट आउट कीजिए और इसको चला सकते हैं। देखिए यहाँ नाम लिखने के लिए आ रहा है, लेकिन इस लोगो को मैंने ज़्यादा बड़ा किया हुआ है ताकि ये कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए इसको। अब लोगो जो है आने का कोई स्टाइल देना होगा, जैसे कि इस लोगो को यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ आने का जो है यहाँ से एक, या तो इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं घूम के आए, लेकिन इस तरह से आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ स्केल डाउन स्केल अप, इस तरह से दे सकते हैं, कवरेज दे सकते हैं, तो मैं कवरेज देता हूँ यहाँ पर कवरेज। तो इसको चला के देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको और इधर करना होगा, मतलब पहले लाना होगा, नहीं तो योर लोगो लिखा हुआ दिख रहा है। फिर से चला के देखिए और बढ़ाना होगा, चलिए बढ़ा दिए थोड़ा सा, अब नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके नीचे नाम लिखा हुआ आना चाहिए, चैनल का नाम या आपका नाम, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आना चाहिए। तो ये जो है पिक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पिक्चर इतना जब आ रहा है उसी समय नाम आना चाहिए। तो हम नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के लिए लेयर पे आपको जाना है, लेयर और टी फॉर टेक्स्ट, तो टी को टैप करना है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रू गाइडलाइन, ये हो गया। अब जो है इसको, तो आप देख रहे हैं आपका स्क्रीन जो है ब्लैक है, इसका मतलब है कि आपको वाइट रखना है तभी वो दिखेगा, ये वाइट रखना है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि पिक्चर बड़ा है, तो इसको भी बड़ा रहना
दिखाई देगा ये। अब ये जो है इसको जितना ज़्यादा हो रहा है उसको आउट कर देते हैं। अब जो है फिर चला के देख लेते हैं। अब ये जो है पिक्चर आने का स्टाइल है लेकिन फॉन्ट आने का स्टाइल नहीं है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है उसका स्टाइल होना चाहिए। तो यहाँ से फिर से इसको जो है कवरेज इसमें भी डाल देते हैं। इसमें कवरेज एक फॉन्ट का स्टाइल दिया हुआ है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे इसको हम अगर इसको बढ़ाते घटाते हैं तो उतना लेट से आएगा, इस तरह से। यहाँ पे अब हो गया, सेट हो गया है। अब हम शुरू से फिर प्ले करते हैं। बस लगभग कंप्लीट हो गया है और इसको जो है हम सेव कर लेंगे और हमारा इंट्रो तैयार हो गया है। हमें ज़्यादा लंबा इंट्रो रखना नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है, 5 सेकेंड का है। तो इसको जो है सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे जाइए और इसको टैप कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसको हाई रेजोल्यूशन में कर दीजिए, इसको भी हाई, सब हाई कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटा सेकेंड का वीडियो है। तो ये जो है 6 MB बतला रहा है। अब इसको जो है एक्सपोर्ट कर लीजिए, सेव हो जाएगा। तो यहाँ एक्सपोर्ट पर टैप कीजिए, ये हो रहा है, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। तो ये कंप्लीट हो गया। अनटाइटल लिखा हुआ है तो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट करके रहेगा जो काइनमास्टर पे होता है। काइनमास्टर पे जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सारा वीडियो जहाँ रहता है वहीं मिलेगा। तो चलिए इसको खोज लेते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर में आइए, फिर वहाँ से मिलेगा इंटरनल मेमोरी पर ही मिलेगा ये, यहाँ पे, या फिर वीडियो में आप जाइए डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट जो 1 है, बस यही आपका एक्सपोर्ट वीडियो है जो इंट्रो है जो आप अभी बनाएं। तो इसको ओपन करते हैं, ये है, इसको प्ले कर सकते हैं। ये देखिए देखिए ये इंट्रो आपका तैयार हो गया और इसमें जो है 9 लिखा हुआ नहीं आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो यही इंट्रो जो है अब मेरे चैनल पे चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इसी तरह का और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।